Good morning class. Today we will understand MS PowerPoint. MS PowerPoint जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होती है. ये MS PowerPoint की स्लाइड है. नेक्स्ट है इंसर्ट चार्ट. इंसर्ट चार्ट जब हमें MS PowerPoint में कोई चार्ट हमें उसमें ऐड करना है तो इसके लिए हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं. इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हम चार्ट पर क्लिक करेंगे. चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के चार्ट दिखाई देंगे. लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट और भी कई तरह के हमें चार्ट यहाँ पर दिखाई देंगे. तो हमें जो भी चार्ट स्क्रीन पर लेना है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो वो चार्ट वहाँ पर ओपन हो जाएगा. जैसे मैं अगर बार चार्ट लेना तो बार चार्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम ओके करेंगे. जैसे हम ओके करेंगे तो हमारी जो स्लाइड है उसमें वो चार्ट वहाँ पे हमें दिखाई देगा तो हम उसे फिर वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे. अगर हमें दूसरा लेना है तो हम वहाँ पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे और दूसरा चार्ट आ जाएगा. तो यहाँ से हम चार्ट MS PowerPoint की स्लाइड में हम चार्ट ले सकते हैं. नेक्स्ट है
प्रिंट के द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं स्लाइड को। तो ये हमने समझा एमएस पावर पॉइंट को, किस तरह से हम इसे स्लाइड बनती है और लास्ट में हम किस तरह से इन्हें सेव करते हैं, ओपन करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।